Hi everyone, my name is हाई एवरी वन माई नेम इज पंकजरा एन now, I am a proud प्राउड I welcome you all to our channel. Today we'll be discussing ACCA course structure. बहुत सारे बच्चे जो ACCA करना चाहते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए ACCA करियर ऑप्शन सोच रहे हैं वो सब जानना चाहते हैं कि सर ACCA का ओवरऑल करिकुलम होता क्या है सर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं सर कितने एग्जाम्स बच्चों को देने होते हैं उन एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है उन एग्जाम की मोडालिटी क्या होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है एंड वॉट नॉट दैट इज द रीजन माई फ्रेंड वी ऑल द मोर फेल्ड दैट इज अड टू रियली कम अपर एंड स्टार्ट डिस्कसिंग दैट एंड गिव यू ऑल दैट वॉट यू नीड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नोइंग दी सी ए कोर्स स्ट्रक्चर इन डिटेल शुड वी गो एंड चेक इट आउट

अगर मैं टोटल एग्जाम्स की बात करूं तो तीनों लेवल के एग्जाम्स मिला के आपको थर्टीन एग्जाम्स देने होते हैं टू बिकम ए क्वालिफाइड ए बिल्कुल ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर सा? सर अब सब्जेक्ट्स के बारे में बताओ सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं बिल्कुल सबसे पहले आता है बच्चे आपका नॉलेज लेवल नॉलेज लेवल पे बच्चे तीन सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहला होता है बिजनेस इन टेक्नोलॉजी फिर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फिर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छा बच्चे सबसे पहले ना मैं एक बात यह बता देता हूं कि आप एसीसी के अंदर कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सीक्वेंस में दे सकते हो तो आप नॉलेज लेवल पे कोई भी सब्जेक्ट पहले दे सकते हो आपको सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है ओके okay. तीन सब्जेक्ट होते हैं बिजनेस इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा कि मैंने कहा बिजनेस इन टेक्नोलॉजी बेसिकली बच्चे आपके क्लास और इलेवेंथ और ट्वेल्थ का कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट वर्ट ऑलरेडी लर्न ओवर वर या आप सीख रहे होंगे वहां पे इसमें बेसिकली इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का कॉम्बिनेशन है एंड ऑफ कोर्स थोड़े से एस्पेक्ट भी डाले एग्जामिनर ने जस्ट टू रियली चेक यू कि क्या आपको आज की डेट में जो मॉडर्न बिजनेस हैं फ्रॉम दी टेक्नोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट वो पता है या नहीं बिल्कुल ठीक है सर ये तो बिजनेस टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गया सर क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ के बच्चे तो फटाफट से अचीव कर जाएंगे बिल्कुल ठीक दैट इज द रीजन दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक सब्जेक्ट जो मोस्टली बच्चे अपनी क्लास और इलेवेंथ और ट्वेल्थ में ही शुरू कर लेते हैं और उसी समय क्वालिफाई भी कर जाते हैं दूसरा सब्जेक्ट आता है बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बच्चे फाउंडेशन है कॉस्टिंग का जो आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ने वाले हो ग्रेजुएशन में आपको कॉस्टिंग हर आपके बीकॉम बीकॉम ऑनर्स कोई भी आप कोर्स करोगे उसमें मिलेगा और उसका बेसिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है जो कि आपके नॉलेज लेवल पे कवर होता है ये आपको बेसिक वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का एनालिसिस फिक्स्ड कॉस्ट का एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट ये बेसिक बेसिक डिस्कशन करेगा बहुत हाईफाई नहीं होने वाला है बट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडस्ट्री रिलेवेंट सब्जेक्ट है ऑल राइट सर क्या मुश्किल है सर बिल्कुल नहीं क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे इसे ऐसे चीव कर जाते हैं बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट से वो बेट से ही फेमिलर होते हैं बिल्कुल ठीक है सर बिल्कुल क्लियर हो गया अब आते हैं बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे फनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो आपने एक्चुअली में आपका ब्रेड एंड बटर रह चुका है क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ में अगर बच्चे जो क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ ऑलरेडी कर रहे हैं वो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट हैं जर्नल एंट्रीज हो गई सर लेजर्स हो गए ट्रायल बैलेंस हो गए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गई फाइनल अकाउंट्स हो गए एंड व्हाट नॉट वो सब कुछ कर रहे होंगे या कर चुके होंगे ये सारी चीजें इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगेन अकाउंटिंग का बेसिक है ये तीन सब्जेक्ट नॉलेज लेवल के होते हैं जो मैक्सिमम बच्चे अपनी क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ के साथ ही कवर कर लेते हैं कि ये तीनों सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीटी ये एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होता है आपको चार ऑप्शन दी जाएंगी एक चूज करनी होगी फिल इन द ब्लैंक्स होगा मैच द फॉलोइंग होगा एंड वॉट नॉट बट प्राइमरली यही तरह के एग्जाम आते हैं आपको डिटेल में लिखना नहीं होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वो कि सारे ही होते हैं आपको इसमें सबके सारे क्वेश्चन मल्टीपल मूविंग ऑन टू दी स्किल बच्चे सब्जेक्ट आता है सबसे पहले कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ देन कम्स दी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देन कम्स टैक्सेशन

ये बेसिक ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट है जहां पे हम बिजनेस लॉ या कॉर्पोरेट लॉ सीखना शुरू करते हैं ये वही बेसिक लॉ है ऑफ कोर्स क्योंकि ये कोर्स यूके बेस्ड कोर्स है तो जो लॉ है वो भी यूके रिलिवेंट लॉ होने वाला है जो हम सीखेंगे जो बहुत फेमिलियर है या बहुत सिमिलर है जो लॉ हम यहां कर चुके हैं तो बहुत डिफरेंट नहीं है अगेन मैं एक चीज ये जरूर बताऊंगा यहां पे कि आउट ऑफ ऑल ऑफ द स्किल लेवल एग्जाम्स एग्जाम कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्जाम होता है इसमें भी आपको डिटेल में नहीं लिखना होता है और यह भी कंप्यूटर बेस्ड होता है जैसे कि सारे एग्जाम होते हैं यहां पे भी आपको डिटेल्ड आंसर नहीं लिखने जैसा कि पहले तीन नॉलेज लेवल मैंने बताया ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहां पे एक चीज़ और बता देता हूं कि पहले चार सब्जेक्ट जो हमने बात करी है अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीटी एंड कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ ये हमारे ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं ये आप कभी भी तैयारी करके बुक करके दे सकते हो इनके लिए हमें जो क्वार्टरली एग्जाम होते हैं और जो आगे हम डिस्कस करेंगे उनकी वेट हमें करने की जरूरत नहीं है जब भी मेरी तैयारी हुई मैं ई की वेबसाइट पर जाऊंगा इनको एग्जाम टाइम बुक करूंगा और एग्जाम दूंगा एंड

ग्राउंड लेवल पे सीखा है बेस वहां बनता है बच्चे यहां उसको कैपिटलाइज करते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे वो ऑलरेडी देख चुके होंगे या देख रहे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट तो ऑलरेडी इस चीज को जानते ही बात समझ में आती है बिल्कुल आती है अब आते हैं बच्चे हम टैक्सेशन पे बेसिक बेसिक टैक्सेशन है बच्चे ग्लोबल टैक्सेशन कह लो यूके टैक्सेशन कह लो कोई भी टैक्सेशन कह लो वो टैक्सेशन यहां आप सीखेंगे जैसे आप इंडियन टैक्सी सीखते हैं इंडियन कोर्सेज के अंदर यहां आपको हम ग्लोबल टैक्सी बेसिकली इंडिविजुअल की इनकम कैसे टैक्स होती है कॉर्पोरेट की इनकम कैसे टैक्स होती है पार्टनरशिप को कैसे टैक्स करोगे एंड अगेन यू नो जो वेरियस मोडालिटीज वहां पे हैं उनको आप कैसे टैक्स करते हैं वो सब चीजें हम यहां पे डिटेल में समझेंगे बात समझ में आती है बिल्कुल आती है फिनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखी थी सर सेकेंड लेवल होगा सर सब क्लियर सर नो प्रॉब्लम no एक चीज और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे आप आई एफ आर एस सीखना शुरू कर देते हो बच्चे थोड़ा डिटेलिंग हो जाती है जो आगे प्रोफेशनल लेवल पे हम ओवरऑल कंप्लीट कर लेते हैं आई एफ आर एस यहाँ से पिक करेगा आपके करियर में आप आई एफ आर एस सीखना शुरू हो जाओगे फ्रॉम दी फ्रॉम दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंड पॉइंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स विल केव द प्ले आती है बिल्कुल आती है ऑडिट इंश्योरेंस की बात करूं अगेन वी नो द बेसिक ऑडिट है बेसिक ऑडिट ऑडिट टर्मिनोलॉजीज हैं कैसे करोगे कैसे ऑडिट रिपोर्ट होगी किन चीजों का ध्यान रखना है ग्रेजुएशन के के बच्चे के बच्चे सीए सब जानते हैं बहुत फेमिलियर सब्जेक्ट है कोई रॉकेट साइंस नहीं है फिर हम बात करते हैं बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगेन टू माय ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स द सीए स्टूडेंट्स दे ऑलरेडी नो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां से शुरू हो जाएगी कोई कोई भी ऐसी चीज जो यहां पे हम आपको पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखी होगी आपने जरूर इस कॉन्सेप्ट को किसी ना किसी शेप एंड फॉर्मेट में पढ़ा हुआ होगा बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू वट ऑलरेडी डन ये बच्चे हमारे स्किल लेवल के सारे सब्जेक्ट्स को खत्म कर देता है अब सर आपने कहा सर फर्स्ट फोर एग्जाम्स ऑन डिमांड एग्जाम है सर सर आप फिफ्थ टू ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब सब्जेक्ट बताओ सर सर ये इनका एग्जाम कब होता है इनका एग्जाम हर क्वार्टर में होता है आप मार्च में एग्जाम दे सकते हैं आप 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 जून में दे सकते हैं, आप में दे सकते हैं, आप में दे सकते हैं। साल में चार एग्जाम होते हैं, आप सकते हैं, हैं, सितंबर दिसंबर एक बात और बता देता हूं ये जो एग्जाम्स हैं एक पोर्शन इसका मल्टीपल चॉइस जरूर होता है कुछ पोर्शन सेक्शन ए जो होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा बट कुछ और भी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी जहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा टाइप करना पड़ेगा एंड व्हाट नॉट ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है इज दैट क्लियर ये अब बहुत सारे स्टूडेंट जो ये ऑलरेडी बी कॉम कर चुके हैं या सी ए आई पी सी सी क्लियर कर चुके हैं या सी ए फाइनल में है उन लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स की एग्जामिशन भी मिलती हैं। जो उन्हें नहीं देने होते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने सी ए आई पी सी सी ये ग्रेजुएशन की हुई है मैंने एक वीडियो इस पर डिटेल में बनाया है मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं आप उसको जाके क्लिक कर सकते हो एंड यू वुड गेट टू सी ऑल ऑफ द दैट आर अवेलेबल टू यू इज दैट क्लियर यस सर आर आई मूविंग ऑन टू द प्रोफेशनल लेवल माई फ्रेंड प्रोफेशनल लेवल पे बच्चे चार एग्जाम आपको क्लियर करने होते हैं दो एग्जाम होते हैं जो हर बच्चे को क्लियर करने है स्ट्रेटिक बिजनेस लीडर एंड करना ही करना है सर कोई चॉइस नहीं है एंड अदर टू सब्जेक्ट्स आर टू बी चोजन फ्रॉम दब्जेक्ट वी हैव यू हैव एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यू हैव एडवांस टैक्सेशन और एडवांस्ड ऑडिट इन चार में से दो चुनने होते हैं बच्चे एग्जाम देने के लिए और दो तो मैंडेटरी हैं जो कि मैंने एस और एस बोला सर एस बी आर एस बी आर क्या होता है सर एस बी आर सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हाई लेवल है सर फाइनल लेवल है सर आई फर एस बेस्ड अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सीखना है सर एंड दैट इज वॉट यू वुड लर्न ओवर दैट दिस इज द फाइनल टच दैट यू वुड नीड टू हैव फ्रॉम द आई फॉर स्टैंड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड फॉर यू टू रियली गो एंड प्रैक्टिस एज एन आई फॉर एस प्रैक्टिशनर डू एन आई फॉर ए जॉब

इसमें बहुत सारी चीजें बेस लेवल से आप सीखेंगे बहुत सारे मॉडल सीखेंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल न्यूनसीज सीखेंगे फ्रॉम दी ओवरऑल लीडरशिप स्टैंड पॉइंट और उनको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम आई हैव सीन अक्रॉस द वर्ल्ड जिस तरह से इसका एग्जाम आता है एक केस स्टडी आती है और आपको उसके ऊपर आंसर करना होता है इन टर्म्स ऑफ यू बींग द मोर कॉमन सेंसिकल नॉलेज एज टू हाउ यू वुड हैंडल दैट देयर एंड देन इज समथिंग टू बी रिस्ट ये हुआ बच्चे स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एग्जाम और स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एग्जाम अब बच्चे मुझे दो और एग्जाम चूज करने होते हैं जो कि अगेन हायर वर्जन है जो हम स्किल लेवल पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जैकि हम जैसे कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर किया था अब हम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आएंगे थोड़ा और हाई हो जाएगा हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया था अब हम एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे आएंगे हमने ऑडिट इंश्योरेंस किया था अब हम एडवांस ऑडिट पे आएंगे हमने टैक्सेशन किया था अब हम एडवांस टैक्सेशन पे आएंगे अगेन माई फ्रेंड आपको इन चारों में से दो चुनने होते हैं सब्जेक्ट सारे के सारे जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे आपने कवर किया है या आप कर रहे होंगे या सी में आपने कवर किया है या कर चुके होंगे आपने इन सब सब्जेक्ट को किसी ना किसी शेप एंड फॉर्मेट में देखा हुआ होगा ये लेवल प्रोफेशनल लेवल जो है यहां पे सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला नहीं होता है आपको जनरली एक केस दिया जाता है या दो केस दिए जाते हैं या डिफरेंट केसेस दिए जाते हैं जिनको देख के आपको आंसर करना होता है लिखना होता है अपना परस्पेक्टिव देना होता है कैलकुलेशन करनी होती है पींडल बनाता हो, बनाना होता है बैलेंस शीट बनानी होती है वर्किंग्स बनानी होती है एंड वॉट नॉट ये उस तरह का है बट इट इज समथिंग टू बी रियलिस्ट माई फ्रेंड हाउ ए सी सी रियली चेक्स दैट बिकॉज यहां पर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक होती है कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलती एंड दिस इज द बिगेस्ट पीस ऑफ एसी एसी डजेंट टू रो थिंग्स वो बच्चे जिन्हें रटना मुश्किल लगता है बट जिनकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी है जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं उनके लिए इज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स टू बी इज दैट क्लियर यस सर ये था बच्चे ओवरऑल कोर्स कारिकुलम ये था बच्चे ओवरऑल एग्जाम किस तरह के आते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो सब्जेक्ट्स क्या होते हैं करिकुलम क्या होता है किस तरह के एग्जाम होते हैं कब कब एग्जाम होते हैं ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं कोई और भी अगर बच्चे आपका डाउट है या कोई कंफ्यूजन है जो आपको लगता है मैंने मैंने मिस किया है या मुझे लेना चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में उसको लिखो वी विल सर्टनली पिकट आप है ना हम एक और वीडियो बनाएंगे उस चीज़ को भी क्लैरिफाई करेंगे उस चीज़ को भी रिजॉल्व करेंगे टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल is that clear yes sir i hope this video was helpful if yes then do share it with your friends and of course subscribe to our channel and press the bell icon for keep getting these these updated videos i'll see you again till then this is Pankaj Dhingra signing off